नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि Oppo A57 मोबाइल है, उसका जो चार्जर पिन कहाँ रहता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। देखिए Oppo A57 का ये मोबाइल है, मैंने समय कम बचे से पहले ऑलरेडी मैंने डिसेंबल करके रखा है। Oppo A57 का मोबाइल है ये, और ये बैटरी ये देखिए इसका ये जो ये आपको पत्ती जो दिख रहे हैं, ये पीछे वाला बोर्ड से लेके मदरबोर्ड को जोड़ने वाली ये पत्ती होती है। और ये वाला होती है जो ये वाला पत्ती आपको क्या करता है, ये नीचे से लेके ऊपर तक मदरबोर्ड तक कनेक्शन पहुंचाने वाली एक चार्जर पिन होती है। देखिए मैंने ऑलरेडी ये डिसेंबल कर रखा है। ये रिंगर है आपको, ये A57 का ये रिंगर है। रिंगर यहाँ पर इस पत्ती पर, यहाँ पर इस दोनों जगह में ये रिंगर का दोनों साइड बैठता है। यहाँ पर रिंगर हो गया, और आपको ये वाइब्रेटर इसी में लगा हुआ है। ये चार्जर पिन भी आपको देखिए यहीं पर लगा हुआ है नीचे। आपको A57 का चार्जर पिन इसी देखिए पत्ती में बैठा हुआ है। आपको A57 का चार्जर पिन इसी में लगा हुआ है, और ये दो पत्ती है जो मदरबोर्ड को नीचे का बोर्ड से लेके ऊपर के मदरबोर्ड को जोड़ने वाली ये पत्ती है। और ये वाला पत्ती ये पूरा जो देख रहे हैं इसी पे ही रिंगर बैठा हुआ है। इसी में आपको वाइब्रेटर है, इसी में आपका चार्जर पिन है लगा हुआ है। और ये आपको A57 का ये आपका ये हो गया मेन मदरबोर्ड हो गया। ये वाला आपको देखिए, ये वाला जो आपको कनेक्टर खुला हुआ है ये टच का है। ये जो कनेक्टर साइड में है ये डिस्प्ले का है। और इस मदरबोर्ड को मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ, और थोड़ा सा ICUC का मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। देखिए जैसे आपको इस ये यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालकम लिखा हुआ है। क्वालकम लिखने का मतलब है ये आपका CPU हो गया। CPU के बगल में एक क्वालकम, जब भी आप CPU होता है वो चकुट होता है, चकुट्टा होता है और स्क्वायर में होता है ये CPU। और CPU के बगल में एक रेक्टेंगल होता है, इसका रेक्टेंगल के आयताकार जो होगा CPU के बगल में थोड़ा सा बड़ा जो होगा वो आपका eMMC है। इसमें रैम रोम इसी में रहता है। कोई भी मोबाइल के आप जब भी देखिए, कोई भी बड़ी ऐसी है जैसे इस मोबाइल में मैंने आप देखा, और मेरे पास बोर्ड है इसमें से देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर MediaTek लिखा हुआ है। ये वाला IC हो गया, ये वाला eMMC हो गया। सेम इसी तरह कोई भी आप बोर्ड लीजिए, आप सभी में आपको एक ही जैसा दिखेंगे। जो बड़ा जैसा होगा वो आपका eMMC होगा, और छोटा जो स्क्वायर में होगा वो आपका CPU होगा। और ये वाला आपका फ्रंट कैमरा है, ये वाला फ्रंट कैमरा है, ये फ्रंट कैमरा है छोटा वाला, ये बड़ा वाला बैक कैमरा है। और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।